हेलो दोस्तों, मैं किरण चौधरी। दोस्तों, आज हम सर्कल बेबी फ्रॉक बनाएंगे। ये हमने आधा मीटर का कपड़ा लिया हुआ अपना। सबसे पहले मैं आपको अपना नाप बताती हूँ फ्रॉक का, जो हमने अपना लिखा हुआ है। जो हमारी छाती हमने ऊपर वाली लेनी है वो हमारी 11 इंच है। हम नीचे वाली गगरी लेंगे जो सर्कल में, वो हम 16 इंच लेंगे। फिटिंग हमारी 12 इंच है और नीचे से कमर, बीच में से जो हमारी गगरी अटैच होएगी छाती पे, तो वो हमारी 11 इंच है। अब हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये हमारे कपड़े की दो लेयर बनी हुई है। ये हमने आधा मीटर का पीस लिया हुआ है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे चार लेयर में। सबसे पहले हम अपनी लंबाई लेंगे 11 इंच। ये हम पीस ऐसे सीधा का सीधा उतार लेंगे। जो हमारा ये कपड़ा बचेगा, इसमें से हम स्कर्ट बनाएंगे। ये हमने चेस्ट के लिए पीस निकाल लिया पहले। ये फ्रॉक हम दोस्तों 4 साल की गुड़िया के लिए बना रहे हैं। अब हम तीरा लेंगे। तीरा हम 5 इंच लेंगे। और हम मोड़ा भी 5 इंच ही लेंगे। अब हमारी फिटिंग 12 है, तो हमने यहां से 6 इंच ले लिया और हम यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इसको ऐसे ऐसे गुलाई दे देंगे हल्की सी मोड़े की सेप इस प्रकार। यहां से जैसे हमने 6 इंच लिया, तो यहां से हमें 1 इंच कम लेंगे। यहां से हम 5.5 लेंगे। ये हमारा कमर का निशान है और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। अब हम यहां से ऐसे हल्की सी तीरे की चिटाई करेंगे। अब हम नीचे वाली इससे कटिंग करेंगे सर्कल में, ये जो हमारा कपड़ा बचा है। अब हमें लंबाई और चौड़ाई एक जैसी रखनी है। जैसे सबसे पहले हम इधर से लंबाई देखेंगे, ये हमारी 16.5 इंच है और इधर से हमारी 17 इंच, तो हम इधर से 16.5 इंच रखेंगे। हम दोस्तों जो हमने अपने ये हिस्सा भी बंद लिया है, ये भी बंद लिया और हमारा ये हिस्सा बंद है। सिर्फ हमारा ये इधर वाला ओपन है और ये नीचे वाला। अब हम सर कमर का यहाँ पे निशान लगाएंगे अपनी कमर के लिए। सबसे पहले हम ये जो हमने यहाँ पे ऐसे फिटिंग का निशान लगाया था, तो वहां पे ऐसे कट लगा लेंगे इस प्रकार। फिर हम इसको
ऐसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हम इसको अपनी कमर यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे। ये हमने निशान लगा लिया, अब हम देखेंगे कि ये निशान हमारा कहाँ तक आया। ये हमारा 2.5 इंच आया, अब हम 2.5 इंच ही लेंगे सर्कल। ये हमारा ऊपर कमर का निशान है 2.5 इंच। जो हमने ये लंबाई 16.5 ली थी, अब इसको 16.5 को भी हम ऐसे ही सर्कल में कटिंग करेंगे। ऊपर कोने से ऐसे घुमाते जाएंगे इसको। ये हमारे सारे इससे बंद हो गए हैं, अब हम इसको ऐसे जब हम लगाएंगे तो इस प्रकार बना लेंगे इसको, जिससे हैवी लुक आएगी ऐसे सर्कल में। और ये जो हमारा अब ये कपड़ा बचा है, इसकी चाहे आप बाजू बना सकते हो या फिर अपने गले वगैरह के नीचे लगा सकते हैं। अब हम गला कटिंग करेंगे। ऊपर से 3 इंच चौड़ाई 3 इंच लेंगे और डीप हम 2 इंच लेंगे। इसको ऐसे बोट नेक शेप दे देंगे। अब हम एक हिस्सा निकाल देंगे और अपने फ्रंट हिस्से को बढ़ा लेंगे।
पहले 2 इंच लिया था, अब हम फ्रंट अपना 3.5 इंच रखेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसी प्रकार शेप देंगे। ये पाइपिंग हमने नीचे कटिंग कर लिए, साथ में ये हम सिलाई के साथ अपने गलों पे लगा लेंगे। अब हम दोस्तों सिलाई करेंगे। फ्रंट हिस्से के दोस्तों जो हमने अलग हिस्सा कटिंग किया गले वाला, तो इसकी हम आगे से ऐसे 1/2 इंच की चिताई करेंगे। हल्की से सिलाई करें।